रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देश धड़ल्ले से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि यूक्रेनी सैनिकों को पश्चिमी देश युद्ध और मॉडर्न हथियार और फाइटर जेट चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और यही वजह है कि जिसकी वजह से यूक्रेन ने अपने कई इलाकों को रूस से छीन लिया है। लेकिन इस सब के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने एक बड़ा दावा किया है। सर्गेई का कहना है कि पश्चिमी देशों से व्यापक मदद मिलने के बावजूद भी यूक्रेनी सेना कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि यूक्रेनी सेना के संसाधन करीब करीब खत्म हो चुके हैं और विदेशी हथियारों में कोई खास बात नहीं है, और वो युद्ध के मैदान में रूसी सेना का मुकाबला करने में कारगर साबित नहीं हुए हैं। हालांकि जून 2023 में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन भारी किलेबंदी वाले रूसी ठिकानों को तोड़ने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि बखमुत इलाके के आसपास उसने बड़ी सफलता हासिल की है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने खार्किव पूर्वोत्तर और कुपियांस शहर के आसपास बढ़त हासिल करने का दावा किया है। हालांकि अभी भी दोनेत्स्क और खेरसान इलाके में रूस की सेना बढ़त बनाए हुए है और यूक्रेन की फौज रूसी सैनिकों की किलेबंदी भेदने में लगी हुई है।